इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो कि यही घुमा फिरा कर पूछता रहता है। तो इसलिए शुरू करते हैं, और सब प्रीवियस ईयर है, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट में दिया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। दो में दिया है, बुधान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, ये डेट भी पूछता है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया? तो 1942 में पास किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो 1936 में की गई। ग्रैंड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? तो कलकत्ता व अमृतसर को जोड़ती है। चलिए आगे देखते हैं, किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो बलबन ने किया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय महल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो कुम्भहार यानी पटना से मिलते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा इसका आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सैयद अहमद खान ने चलवाया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। इसके बाद देखते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो 7 में विभक्त था। इसके बाद चलिए देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। एकल एकटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचना की कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं। किसे जाट का प्लेटो अफलातून कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने की। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रूपक। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी किसके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं था, यह व्याख्या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो घनानंद का। इसके बाद, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? तो बैरकपुर में किया था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के थे। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कहाँ कला है में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? तो पल्लवों की दर्शाता है। के बाद, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो 1829 में की गई। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने डाली थी। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो एडविन लुटियंस था। चलिए आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने व्याप्तगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो भवभूति। सिंधु घाटी
स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बुक डिस्पैच को कहा जाता है। फहान कहाँ का निवासी था? तो चीन का था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून में। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन को करते थे। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो उदयन। अस्तो मा सद्मय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आदित्य ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। किसके शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो जहांगीर के। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसने के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह का कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से। इसके बाद दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो ग्यासुद्दीन बलबन। नामदेव कहाँ के संत थे? तो महाराष्ट्र के। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने। इसके बाद किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो कनौज। कनौज का युद्ध। इसके बाद भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के थे। चट्टगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? तो मास्टर सूर्य सेन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन दास यानी C.R. दास से। बंकिम चंद चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो सन्यासी विद्रोह से है। किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार को। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1774 ईस्वी में। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिला? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 1765 ईस्वी में हुई थी। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 ईस्वी में किया था। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण में जो कि 1917 में। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1916 ईस्वी मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो विलियम बेंटिक। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। अध्यात्म
अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में होता है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस का राजदूत था। वर्ष 1857 के विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? नादिर शाह। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो 1510 ईस्वी में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किसके स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो टीपू सुल्तान। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गौरवजनक को जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। समाचार पत्रों से संबंधित प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को प्राप्त है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए, सहायक संधि किसने लागू की? तो लॉर्ड बेलजरी ने लागू की। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक में हुआ था। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। खालसा सेना की स्थापना तथा फाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन थे? हैं तो गुरु गोविंद सिंह हैं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच हुई थी। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो वास्को डी गामा था। लंदन में आयोजित तीन गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1920 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो केसर ए हिंद। कबीर के उपदेशों का संकलन कौन सा है? तो बीजक। ये देखिए, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री जन धन योजना तो ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया लेकिन आपका लोगों के लिए रिवीजन के लिए अच्छा है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।